Hi friends, welcome back to my channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am going to explain you chapter number 13, fifth part. That is the last part of the chapter. So friends, let's get started. Fifth part. 13.4 Make your own magnet. अपना चुंबक स्वयं बनाइए. There are several methods of making magnets. Magnet बनाने के, चुंबक बनाने की बहुत सी विधियां हैं. Let us learn the simplest one. चलिए हम आसान वाला जो बिल्कुल सरलतम विधि है वो सीखते हैं. Take a rectangular piece of iron. एक आयताकार टुकड़ा लेना है आपको लोहे का. Place it in on the table. उसको टेबल पे रखिए. Now take a bar magnet and place one of its poles near one edge of the bar of iron. अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा उसकी कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the iron bar till you reach the other end. चुंबक को बिना हटाए इस लोहे की छड़ के एक सिरे को दूसरे सिरे तक ले जाइए. Now lift the magnet and bring the pole. The same pole you started with to the same point of the iron bar from which you begin. Figure 13.11. ये रहा 13.11 making your own magnet. चुंबक को अब क्या करना है, आपको चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाइए जहां से हमने स्टार्ट किया था. इस तरह से इसको इधर वापस ले जाना है, इधर इसी डायरेक्शन में. Move the magnet again along the iron bar in the same direction as you did before. जैसा कि पहले किए थे, जिस तरह से उसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश फिर ले जाना है. फिर से repeat this process about 30-40 times. इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को आपको 30 से 40 बार दोहराना है. Bring a pin or some iron fillings near the iron bar to check whether it has become a magnet. जांच करने के लिए लोहे की छड़ या फिर लोहे की छड़ की बनी मतलब चुंबक वो बन गई है कि नहीं, इसके जांच करने के लिए आपको लोहे की पिन या फिर लोहे का बुरादा इसके समीप ले जाना है. इफ नॉट कंटिन्यू द प्रोसेस फॉर सेम मोर टाइम. अगर वो लोहा जो है वो चुंबक नहीं बनाए तो इसी प्रक्रिया को आपको फिर से दोहराना है. Remember that the pole of the magnet and the direction of its movement should not change. आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैग्नेट की जो चुंबक का ध्रुव है तथा इसे लोहे की जो छड़ पर रगड़ने की जो दिशा है वो बदलनी नहीं चाहिए. You can also use an iron nail, a needle or a blade and convert them into a magnet. आप लोहे की कील, सुई अथवा ब्लेड आदि को भी इसी प्रकार से चुंबक बना सकते हैं. You now know how to move a magnet. How to make a magnet. अब आप जान गए होंगे कि चुंबक कैसे बनाया जाता है. Would you like to make your own compass? क्या आप अपना खुद का कंपास बनाना चाहेंगे? आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 6. Magnetize an iron needle using a bar magnet. या छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए. Now insert the magnetized needle through a small piece of cork or foam. अब आपको क्या करना है, अब इसे किसी छोटी कॉर्क या अथवा फोम के टुकड़े के में डाल देना है. लेट द कॉर्क फ्लोट इन द वाटर इन अ बाउल और अ टब. अब आपको वो जो कॉर्क का टुकड़ा लिया है उसको आप या तो किसी प्याले में या फिर टब में उसको पानी के ऊपर छोड़ दीजिए तैरने के लिए. मेक श्योर डैट द निडिल डज नॉट टच द वाटर. आपको ये ध्यान रखना है कि जो निडिल है वो वाटर को टच ना करे. फिगर 13.12. यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, नहीं शायद मिसप्रिंट हो गया है, फिगर नहीं है, आप अपने बुक्स में देख लेना. फिगर 13.12 में अ कंपास इन अ कप. योर कंपास इज नाउ रेडी टू वर्क. अब आपका कंपास जो है वो तैयार है कार्य करने के लिए. मेक अ नोट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क इज फ्लोटिंग. जब आपका जो टुकड़ा है वो लकड़ी का कॉर्क जो है वो जब वो फ्लोट कर रहा तैर रहा है तो आपको ये देखना है कि सुई की जो दिशा है वो किस तरफ है, उसको नोट करिए. रोटेट द कॉर्क विद द निडल फिक्स्ड इन इट इन डिफरेंट डायरेक्शन. उसके बाद आपको वो सुई को पकड़ के रोटेट कर देना है कॉर्क को डिफरेंट डायरेक्शन में. नोट द डायरेक्शन इन विच द निडल पॉइंट्स व्हेन द कॉर्क बिगिंस टू फ्लोट अगेन विदाउट रोटेटिंग. उसके बाद जब वो रोटेशन उसका बंद हो जाएगा घूमना और उसके
उसके बाद फिर देखिए आप कि सुई की दिशा किस तरफ है. डज द नीडल ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन व्हेन द कॉर्क स्टॉप्स रोटेटिंग. क्या जो सुई है वो हमेशा सदैव एक ही दिशा में घूम रही है जब कॉर्क जो है वो रोटेशन उसका बंद हो जा रहा है, तो घूमना बंद हो जा रहा है, तो ये आपको देखना है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. 13.5 अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स. चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण. रिपल्सन मतलब आकर्षण और सॉरी अट्रैक्शन मतलब आकर्षण और रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण. लेट अस प्ले अनदर इंटरेस्टिंग गेम विथ मैग्नेट. चलिए एक और चुंबकों के साथ एक अन्य रोचक गेम खेलते हैं. टेक टू स्मॉल टॉयज कार टॉय कार्स एंड लेबल देम ए और बी एंड बी. ए दो आपको जो खिलौने होते हैं कार खिलौने होते हैं ना कार वाले खिलौने उनको लेनी है और उनको ए और बी नाम दे देना है. प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ ईच कार अलोंग इट्स लेंथ एंड फिक्स देम विथ रबर बैंड्स. आपको चुंबक को उन कारों के ऊपर रबर बैंड के मदद से फिक्स कर देना है इस तरह से. फिगर 13.3 इस तरह से आपको फिक्स कर देना है. इन कार ए कीप द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टूवर्ड्स इट्स फ्रंट. आपको कार ए में क्या करना है जो साउथ पोल है यानी कि उत्तरी ध्रुव है उसको आगे की ओर रखना है. प्लेस द मैग्नेट इन अपोजिट डायरेक्शन इन कार बी और उसके बाद उसका अपोजिट डायरेक्शन कार बी में रखना है. नाउ प्लेस द टू कार्स क्लोज टू वन अनदर. अब आपको दो कार जैसे ये दो है इनको एक दूसरे के क्लोज रख देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. आप क्या देखते हैं. आप क्या देखते हैं. डू द कार रिमेन्स एट देयर प्लेसेस. क्या जो कारें हैं वो अपनी जगह पर खड़ी हैं. डू द कार्स रन अवे फ्रॉम ईच अदर या फिर कार दोनों एक दूसरे के तरफ से एक दूसरे से दूर चली जाती हैं. डू दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर एंड कोलाइड क्लॉइड या फिर कारें एक दूसरे की ओर चलकर टकराती हैं. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल एज शोन इन टेबल 13.33. आपको जो भी कार कर रही हैं आपको वो चीज़ें जो है वो अपने टेबल में नोट डाउन करना है. नाउ प्लेस द टॉय कार्स क्लोज टू ईच अदर सच दैट द रियर साइड ऑफ कार ए फेसेस द फ्रंट साइड ऑफ कार बी. अब आपको क्या करना है कि कारों को एक दूसरे के समीप इस प्रकार रखना है कि कार ए का पश्च भाग कार बी के अग्र भाग के सम्मुख हो. मतलब उसका आगे का भाग उसके पीछे के सामने हो. डू दे मूव एज बिफोर. क्या वो फिर से घूमते हैं. क्या ये पहले की तरह चलती हैं. नोट द डायरेक्शन इन विच द कार्स मूव नाउ. अब आपको ये नोट करना है कि कार अब किस प्रकार चल रही है आपको वो नोट करना है. नेक्स्ट प्लेस द कार ए बिहाइंड कार बी एंड नोट द डायरेक्शन इन विच दे मूव इन ईच केस. अब आपको कार ए के बिहाइंड कार बी को रखना है और फिर उसका डायरेक्शन नोट करना है कि वो कैसे मूव कर रही है. 13.14 रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल्स. ये देखिए ये रिपल्सन वाला ये है इसके पीछे रखा है इसको बिहाइंड. ये कार बी है इसके बिहाइंड में कार ए है. रिपीट द एक्टिविटी बाय प्लेसिंग कार्स विद देयर रियर साइड्स फेसिंग ईच अदर. इसी तरह आपको ये एक्टिविटी रिपीट करनी है रियर और बिहाइंड करके. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन ईच केस और हर केस में आपको अपना ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है. व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी. इस एक्टिविटी से हम क्या देखते हैं. डू टू सिमिलर पोल्स अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर. क्या दो समान ध्रुव परस्पर आकर्षित होते हैं या फिर प्रतिकर्षित होते हैं. वॉट अबाउट अपोजिट साइड अपोजिट पोल्स डू दे अट्रैक्ट और रिपल ईच अदर. और जो क्या दो समान ध्रुव मतलब असमान ध्रुव क्या करते हैं. जो समान है वो क्या करते हैं और जो असमान है वो क्या करते हैं परस्पर आकर्षण या प्रतिकर्षण. दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व बाई सस्पेंडिंग अ मैग्नेट एंड ब्रिंगिंग वन बाई वन द of one by one the poles of another magnet near it. चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके एक इसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है. ये वो ऑब्जर्वेशन टेबल है इसमें आपको फिल करना है. अ फ्यू कॉशंस कुछ चेतावनियाँ. मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ दे आर हीटेड हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट. फिगर 13.5. ये फिगर 13.5 इनको हीट नहीं लगना चाहिए चुंबक को. इनको हथौड़े से नहीं पीटना है और इनको ऊंचाई से नहीं फेंकना नहीं तो ये टूट जाते हैं ये फिर बेकार हो जाते हैं. ऑल्सो मैग्नेट्स बिकम वीक इफ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली. अगर उनको अच्छे से ना रखा जाए इनका रख रखाव अच्छे से ना किया जाए तो वो कमजोर हो जाते हैं. टू कीप देम सेफ
बार मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड. इनको सुरक्षित रखने के लिए, छड़ चुंबक को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखना चाहिए. दे मस्ट बी सेपरेटेड बाई अ पीस ऑफ वुड वाइल टू पीसेज ऑफ सॉफ्ट आयरन शुड बी प्लेस्ड अक्रॉस देयर एंड्स. फिगर 13.16. स्टोर योर मैग्नेट सेफली. इस तरह से हमें लकड़ी के बॉक्स में या फिर इनके दोनों पोल्स को सेफ करके रखना चाहिए. फॉर हॉर्स शू मैग्नेट्स वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स. नाल चुंबक का को रखने के लिए इसके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए. कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स, मोबाइल्स, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीज एंड द कंप्यूटर. अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा अथवा कंप्यूटर से दूर रखिए. सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 13 यहाँ पे एंड हो रहा है. इसके आगे मैं इस चैप्टर का वर्कबुक और क्वेश्चन आंसर अपलोड करूँगी. जल्दी मेरे चैनल पे वो वीडियोस आ जाएंगे. मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिए. मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.